हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है बहुत सारे रिक्रूटिंग बोर्ड्स की तरफ से, वो आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका एक छोटा सा डीमो दूंगा, ताकि जब भी आप एक सीबीटी अटेम्प्ट करने जाओगे किसी भी बोर्ड का, तो आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है सीबीटी का इंटरफेस जो कि वहां पे आपको आएगा, और कुछ इसी तरह से वहां की स्क्रीन भी होगी। तो मैं आपको ये डिटेल में भी दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो स्विच कर चुके हैं सीबीटी की तरफ, और हाल ही में आप देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी ने कुछ एग्ज़ाम्स पास्ट में कंडक्ट किए हैं सीबीटी के थ्रू, और अब जो नेक्स्ट विद इन डेज यानी 17 अगस्त से एक और ड्राइव होगा उनका सीबीटी की, जो मोड होगा उसका सीबीटी। और आप यही मान के चल सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जेकेएसएसबी का गोल यही है कि 100% एग्ज़ामिनेशन जो है वो थ्रू यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एक कंप्यूटर सिस्टम की माध्यम से लिया जाए। तो आपको ये ज़रूरी होगा कि अगर आपने कभी भी कोई भी सीबीटी जो है अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि जब भी आप सीबीटी में बैठो तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल नोट आइकन है उसको जो दबाए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैनल है मेरी, इस पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एट्सेट्रा के, तो बहुत ही हेल्पफुल जो है ये जॉब एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। तो चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से एक सीबीटी टेस्ट जो है अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं इन जहाँ पे आप जो है सीबीटी जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो फ्री में भी देते हैं, और कुछ केस में आपको पे भी करना पड़ता है, और वहाँ पे जाके आप एक सीबीटी का जो डीमो दे सकते हैं, और अपनी अपनी पूरी जो आपकी मेहनत है उसको देख सकते हैं कि आपने क्या किया है और आप किस तरह से जो है सीबीटी को अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पर। तो मैंने भी एक साइट के माध्यम से एक सीबीटी जो है उसका डीमो आपको दिखाने के लिए किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होगा वहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके जो है सबमिट करना होगा, और उसके बाद जो आपके पास जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उसका इंटरफेस आप मान के चल सकते हैं कि बस बिल्कुल ऐसा ही होगा, और वहाँ पर आपका नाम भी आएगा, और उसके साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे एक और चीज़ भी आपके सामने आएगी, और वो है कि आपका फ़ोटोग्राफ भी वहाँ पे जो है स्क्रीन पे ही होगा। तो उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप ऊपर जो है आपका टाइम जो है टाइमर वो भी लगा होगा, जहाँ पे आप अपना टाइम चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये वाला सेक्शन जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो भी सकता है या और नहीं भी हो सकता है, और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट एक सेक्शन से लेकर दूसरे सेक्शन तक स्विच कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर यही मान के चलिए कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस ही जो है मिलेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको आपका पहला क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आप उसको टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन का आंसर आपने 50 किया है, और अगर आप श्योर हुए कि ये जो मैंने आंसर दिया है ये बिल्कुल सही दिया है मैंने, तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे अटैम्प्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आंसर होगा या नहीं होगा, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू रख सकते हैं। तो इसमें मार्क फॉर रिव्यू का जो है इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको लास्ट में जो अगर आपका टाइम बचता है तो आपको एंड में उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाने को जो है मिलेगा, और आप वहाँ पे अपने जो आंसर है उसको फिर से चेक कर सकते हैं। तो कुछ जो अगर आप कहीं पे किसी केस में कोई आंसर सेलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आपको पता चले कि हमें दूसरा आंसर है इस क्वेश्चन का, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करके फिर दूसरा
जो है ऑप्शन देंगे और सेव रखेंगे। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो नीचे एक पेन होगा जहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमने जो पहला क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर दिया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हमने रिव्यू में रखा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो पूरे क्वेश्चन है आपके इस एग्जामिनेशन में वो आपके सामने है, और आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर जो है जंप कर सकते हैं एक क्वेश्चन से लेकर दूसरे क्वेश्चन तक। और नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सेव और नेक्स्ट रख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क फॉर यू रखे होंगे और आप लास्ट में उनको चेक ना भी कर पाओ, फिर भी वो आंसर जो है वो आपके एग्जामिनेशन में कंसिडर किए जाएंगे। तो इसी तरह का इंटरफेस होगा वहाँ पर आपका, और आपको इसी तरह से जो है ये जो है पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, और जो एंड में आपको जो है सबमिट करना होगा एग्ज़ाम, और आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए सीबीटी के रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।